हेलो फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया की कौन सी सिटी के कौन से स्टेशन पे खड़े हैं। खैर, ये सस्पेंस ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आपको हिंट देती हूँ, क्या आप ये येलो टैक्सीज को पहचानते हैं? नंबर देख के तो गेस कर ही लिए होंगे कि हम हैं वेस्ट बंगाल में और ये सिटी है द फेमस कोलकाता, और हम क्रॉस कर रहे हैं द फेमस हावड़ा ब्रिज। इस हावड़ा ब्रिज के ही बाजू में एक फ्लावर मार्केट है जहाँ पे ढेरों फूल दिखते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता अपने दुर्गा पूजा, मिष्टी और मच्छी के लिए फेमस है। आपको ये पीले रंग की एम्बेसडर गाड़ी यहीं दिख सकती है। अगर आप कोलकाता में हैं और घूमना चाहते हैं तो कोलकाता में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से फेमस हैं विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम, हावड़ा ब्रिज, साइंस सिटी, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और बहुत कुछ। ये सिटी दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है, रात में भी उतनी ही सुंदर है। यहाँ के लोग ईमानदार बहुत होते हैं और हर कोई किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में दिलचस्पी रखता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में सामान मिलते हैं। अगर आप खाना खाने के या मीठा खाने के शौकीन हैं तो ये सिटी आपके लिए है। अगर आपने अब तक ट्राम गाड़ी का लुत्फ़ नहीं उठाया है तो कोलकाता में आपको ये भी मिल जाएगा। कोलकाता में आपको ट्रैवल करने के लिए टैक्सी, लोकल बसेस, मेट्रो, ट्राम बहुत ईजिली और बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। अगर आपको बहुत सारी खरीदारी करनी है और आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और कोलकाता आपकी नियरेस्ट सिटी में आती है, तो आप कोलकाता ज़रूर आएं। कोलकाता अपनी दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए फेमस है। अगर मौका मिले तो दुर्गा पूजा या काली पूजा के समय में आप एक बार कोलकाता में ज़रूर रहें। दुर्गा पूजा में जगह जगह पर छोटे बड़े कई सारे पंडाल बनते हैं और सड़कों पर जमकर भीड़ होती है। जब आप कोलकाता में हैं तो यहाँ का द फेमस धुनुची डांस देखना ना भूलिएगा। आइए मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। और कोलकाता आए तो मच्छी भात खाना ना भूलें। कोलकाता के बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।